तुम कुछ बना के खिला दो। भैया काफ़ी बोलते रहते थे वहाँ खाने के बारे में, तो मैंने सोचा अच्छा ठीक है। तो भैया ने बोला कि हमारे पास एक घंटा है, तुम एक घंटे में कुछ अच्छा सा बना के खिला दो। तो मैंने सोचा ठीक है, घर पर ब्रेड रखी है तो सैंडविच बना के खिलाते हैं भैया को। तो मैंने उनके लिए 3 टाइप्स सैंडविच बनाया। तो पहले मैंने पोटैटोज़ को बॉयल किया, उसके बाद पनीर को मैश किया, उसमें थोड़ा सा गरम मसाला, कोरिएंडर पाउडर, सॉल्ट ऐड किया, थोड़ा सा कोरिएंडर लीफ डाली और मिक्स कर लिया। फिर अपने बॉयल्ड पोटैटो को पील ऑफ करके उनको अच्छे से मैश कर लिया और एक कढ़ाई पे तेल डाला, थोड़ी सी हींग डाली, थोड़ी सी जीरे डाली, थोड़ी सी ग्रीन चिली डाली, और जो हमने मैश किया पोटैटो रखे थे वो भी डाले, थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर डाला और इनको अच्छे से मिक्स कर लिया। और सैंडविच का जो रिएक्शन था भैया का, वो आपको लास्ट में वीडियो में मिल जाएगा, तो पूरा वीडियो देखिएगा। तो इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने इसमें थोड़ा सा अदरक डाली, थोड़ा सा गरम मसाला डाला, थोड़ी सी रेड चिली पाउडर डाला, थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाला और थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर डाला, और फिर इसको अच्छे से मिक्स किया। इसमें थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डाली, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया और फिर से मिक्स किया, और इसमें कोरिएंडर लीफ डाली, और बस हमारा ये दूसरा मसाला भी तैयार हो गया, फिलिंग तैयार हो गई। अब हमने वेजीज की फिलिंग बनाई थी, तो उसमें हम लिया था कुकुम्बर, अनियन और टमाटो। इसमें हमने कोरिएंडर लीफ डाली थी, ऊपर से चिली फ्लेक्स, ऑरिगैनो और मेयोनीज, टमाटो सॉस और रेड चिली सॉस, और इनको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हमने अपने ब्रेड्स में फिलिंग लगाई। पहले हमने एक ब्रेड पर लगाया था पोटैटो की फिलिंग, थोड़ा सा पनीर की फिलिंग और वेजीज वाली फिलिंग। सेकेंड सैंडविच में लगाया था एक साइड पे टमाटो सॉस और दूसरे साइड पे पोटैटो फिलिंग, इसमें थोड़ा सा पनीर वाली फिलिंग लगाई और इसको भी रख लिया। और इसके पास थोड़ा चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा प्याज और थोड़ी सी कुकुम्बर ऐड किया। और फिर हमने थर्ड सैंडविच बनाया, उसमें थोड़ा सा पनीर ऐड किया, थोड़ा सा वेजीज वाली फिलिंग ऐड करी और इनको भी रख लिया। इसमें थोड़ा सा ऊपर घी अप्लाई किया, फिर इसके बाद सैंडविच मेकर में इनको अच्छे से प्रीहीट करके ग्रिल करने के लिए रख दिया, जब तक हमने अपनी प्लेटिंग कर ली। इसमें हमने रखा था टमाटो सॉस, मेयोनीज, तब तक हमारे सैंडविच ग्रिल हो चुके थे। अब हमने इनको निकाला और कट किया, फिर भैया को दिया, और भैया का रिएक्शन आप देख सकते हो। भैया को ये काफ़ी अच्छा लगा, भैया ने काफ़ी तारीफ करी थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।